गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज इस वीडियो में हम हमारे इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग डील करेंगे टाइम से, कि टाइम में हम लोग कैसे ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं, उस चीज़ को पढ़ेंगे। एज यू नो कि 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स। जो 1 मिनट है वो 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, और ईच पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकंड बोलते हैं। तो 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। एक साल में कितने महीने होते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं, ठीक है। और 12 महीने अगर उनको, एक साल को हमने डेज की फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना हो तो हमें पता है कि एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 डेज, और 366 भी हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन लीप ईयर। अगर लीप ईयर है तो वो उसमें उस साल में 366 डेज होते हैं, अदरवाइज 365 डेज होते हैं। और लीप ईयर जैसा कि आप जानते हैं, हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है। और एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं। और एक डे में कितने आवर्स होते हैं, दैट इज़ 24 आवर्स होते हैं। ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, आपकी डेली लाइफ में बहुत मायने रखती हैं ये सब चीज़ें। नेक्स्ट, अब मैं आपको बताऊंगी कि टाइम जो है हम लोग किस तरह देखते हैं। हम टाइम दो तरह से देखते हैं। एक होता है टाइम देखने का तरीका 12 आवर क्लॉक टाइम, सेकेंड होता है 24 आवर क्लॉक टाइम। एक होती है 12 घंटे वाली घड़ी, एक होती है 24 घंटे वाली घड़ी। जो 12 घंटे वाली घड़ी होती है वो हम लोग नॉर्मली अपने घरों में देखते हैं, मोस्टली लोग वही यूज़ करते हैं, जिसमें सिर्फ 1 to 12 तक ही नंबर्स होते हैं, वो वाली घड़ी लाइक दिस, जिसमें सिर्फ 12 ही नंबर्स होते हैं। ये वाली जो घड़ी होती है ये हमें 12 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग टाइम बताती है, और जो 24 आवर्स होती है वो 12 के बाद भी हम कंटिन्यू रहती है, ख़त्म नहीं होती। जैसे इस वॉच में क्या होता है, जब 12 बज जाते हैं तो 12 के बाद 1 बजता है, बट 24 आवर वाली जो वॉच होती है उसमें 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, इस तरह से कंटिन्यू रहता है टिल 24 तक। तो उसी वजह से उसको क्या बोलते हैं, 24 आवर वाली वॉच बोलते हैं। इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, अब जैसे 12 आवर क्लॉक टाइम जो है उसके अकॉर्डिंग देखें तो हम जब रात के 12 बजते हैं तो उसको 12, उसको बोलते हैं 12 midnight o'clock। और वही अगर 24 क्लॉक टाइम में हम देखेंगे, 24 आवर क्लॉक टाइम में हम देखेंगे, तो उसमें कितना शो होगा आपको, या तो 0.0 o'clock, मतलब पूरे 12 बज चुके हैं, या 24 o'clock। 12 आवर क्लॉक टाइम के अकॉर्डिंग 12 midnight o'clock बोलते हैं, उसमें जब 12 बजते हैं रात के तो हम लोग सिंपल बोलते हैं कि 12 बज गए हैं। अगर 24 आवर क्लॉक होगा तो उसमें हम क्या बोलेंगे, दैट इज़ 24 o'clock। अगर सुबह के 1 बज रहे हैं तो हम लोग 12 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग बोलते हैं 1 AM इन मॉर्निंग, ठीक। और 24 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग अगर हम टाइम मेंशन करें तो हम बोलते हैं 1 o'clock, सिंपल 1 o'clock। सेकेंड, यहाँ पर अगर हम देखें 12 आवर क्लॉक में, तो 1 के बाद 2 बजते हैं, जैसे मॉर्निंग में है तो हम लोग AM यूज़ करते हैं, अगर आफ्टरनून है तो हम लोग PM यूज़ करते हैं। आफ्टरनून कब होता है, जब दोपहर के 12 बज जाते हैं, ठीक है। एक बार ही घड़ी जो अपना है वो सर्कल कंप्लीट कर लेती है, उसके बाद वो हमारा जो AM है वो PM में कन्वर्ट हो जाता है। तो 1 AM मॉर्निंग, 2 AM मॉर्निंग, 3 AM मॉर्निंग, अप टू सॉन 12 नून, दोपहर के जब 12 बज जाते हैं। फिर उसके बाद 12 बजने के बाद वो दोबारा 1 से स्टार्ट हो जाता है, बट अगर वही हम लोग 24 आवर क्लॉक में देखेंगे, 12 बजने के बाद दोबारा 1 नहीं बजता है, वहाँ पे 13 o'clock मेंशन होता है। 13 o'clock हो गया, जैसे अब यहाँ पे 12 आवर क्लॉक में 2 PM हो रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, 14 o'clock। अगर वहाँ पे 3 बज रहे हैं तो यहाँ बोलेंगे हम लोग 15 o'clock। तो इस तरह से आपको यहाँ पे रिलेशन जो है बुक में आपकी गिवन है। 12 midnight जब दोबारा पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया दो बारी 12 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग, तो दो बारी मतलब जैसे मतलब 12 रात के जो बज जाते हैं, तो फिर यहाँ पे भी जब पूरा सर्कल एक बारी कंप्लीट हो जाता है 24 तक, तो फिर दोबारा से वही सेम चीज़ रिपीट होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये था आपके पास रिलेशन, कैसे मतलब 24 आवर क्लॉक में और 12 आवर क्लॉक में हम लोग टाइम जो है वो देखते हैं।
बस डिफरेंस क्या है कि हम लोग 12 आवर क्लॉक में AM और PM से पता लगता है कि दोपहर के टाइम हो रहा है या सुबह का टाइम हो रहा है और या शाम का टाइम हो रहा है, तो हम लोग AM और PM के थ्रू हम लोग पता कर सकते हैं। और 24 आवर क्लॉक में क्या होता है, हम लोग ओ क्लॉक यूज़ करते हैं, जैसे 1 o'clock, 2 o'clock, ओ क्लॉक यूज़ करते हैं। अब जैसे यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इंटू 24 आवर क्लॉक टाइम। 24 आवर क्लॉक टाइम में आपको कन्वर्ट करना है, आपको टाइम जो है वो 12 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। अब 3:30 AM बोला है, सुबह के 3 बज रहे हैं, 3:30 बज रहे हैं सुबह के। अब जब सुबह के 3:30 बज रहे हैं 3:30 AM इन द मॉर्निंग, तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करें, सिंपल 3 o'clock, 3:30 o'clock। इस तरह से सुबह के 6:30 हो रहे हैं, AM में रिप्रेजेंट है, AM मतलब 12 आवर के अकॉर्डिंग आपको मेंशन है, उसको आपने 24 आवर क्लॉक टाइम के अकॉर्डिंग लिखना है। तो क्या करेंगे, अब 6:30 AM है, यहाँ पे आपको थोड़ा गलत दिया हुआ है, या तो यहाँ पे PM होना चाहिए, क्योंकि अगर AM है तो 1 to 12 तक तो सिंपल चलता है हमारा, जैसे 12 आवर क्लॉक हो गया, 24 आवर क्लॉक हो गया, तो एक एक राउंड तो जो है 12 नून तक वो सेम रहता है। यहाँ पे भी 1 बज रहा है तो यहाँ पे भी 1 o'clock, 2 बज रहे हैं तो 2 o'clock, 3 बज रहे हैं तो 3 o'clock, टिल 12 नून तक सेम रहता है। उसके बाद जो है वो आगे काउंटिंग जो है हमारी वो कंटिन्यू रहती है इसमें। बट यहाँ पे अभी आप यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पे PM होगा दोपहर के या शाम के 6:30 बज रहे हैं, जब शाम के 6:30 बज रहे हैं तो हमारा रिलेशन के अकॉर्डिंग देखो, अब 2 बज रहे थे तो 14 था, 3 बज रहे होंगे तो 15 o'clock, 4 बज रहे होंगे तो 16 o'clock, अगर 5 बज रहे होंगे तो 17 o'clock, इसी तरह से अगर 6 बज रहे होंगे तो 18 o'clock। ठीक, अब यहाँ पे 6:30 था तो यहाँ पे 18:30 o'clock आ जाएगा, ओ क्लॉक आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आप लोग जो है वो एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखो, सेकेंड क्वेश्चन में देखो, 24 o'clock बोला, इसको आपने 12 आवर के अकॉर्डिंग करना है कन्वर्ट। 24 o'clock है, जब 24 o'clock होते हैं तो यहाँ पे देखो, जब भी 24 o'clock था तो यहाँ पे क्या है, 12 आवर में, 12 आवर क्लॉक टाइम में क्या जाता था वो 12 midnight। सेम यहाँ पे भी है, अगर 24 o'clock है या 0 o'clock है तो 12 midnight, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, 12 midnight। अब 13:50 o'clock बोला है, 13:50, अब 13 जब बज रहे हैं 24 के अकॉर्डिंग, तो 12 आवर के अकॉर्डिंग क्या है, दोपहर के 1 बज रहे हैं, तो आपका टाइम जो क्या हो जाएगा वो 1:50 PM। ठीक है, तो इस तरह से आप 24 आवर क्लॉक टाइम को और 12 आवर क्लॉक टाइम को इंटरचेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम अपने एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें टाइम पे कैसे हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन